राजधानी रायपुर में मंत्री राम विचार नेताम का एक बयान सामने आया। दरअसल बलरामपुर में हुई घटना को लेकर मंत्री राम विचार नेताम ने कहा कि बलरामपुर में जो घटना हुई है, एक लड़का और एक लड़की की संदिग्ध अवस्था में शव मिला है। कार्यकर्ता हमारा बेहद करीबी था, बजरंग दल से जुड़ा हुआ था और घटना की जानकारी के बाद मैंने परिवारजनों से बात की थी और उच्च स्तरीय जांच का वादा किया था। पुलिस ने बहुत तत्परता के साथ और गंभीरता के साथ सभी एंगल से जांच की है और जरूरत पड़ने पर स्पेशल कमेटी बनाकर जांच कराएंगे। इसी क्रम में चिंतन शिविर को लेकर मंत्री राम विचार नेताम ने कहा कि आज IIM में चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। अब आने वाले समय में किस दिशा में हमें फोकस करना है, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। बलरामपुर की जो घटना हुई है, इसमें एक लड़का एक लड़की की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हुई है और इस संबंध में स्वाभाविक है कि लोग उद्वेलित होंगे और जो शंका व्यक्त किया जा रहा है, जिस प्रकार से लोगों का जुड़ाव था, क्योंकि कार्यकर्ता हमारा बहुत ही करीबी था और बजरंग दल से जुड़ा हुआ था, उनके मौत से निश्चित ही हम सबको बहुत ही आघात पहुंचा है। मैं जैसे ही घटना की जानकारी मुझे मिली, उसी दिन मैंने बात किया परिवारजनों से और हमने आश्वस्त भी किया था कि इसमें उच्च स्तरीय जो भी जांच हो सकती है वो पूरा कराया जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी किया जाएगा। पुलिस की जो जांच है, मैं व्यक्तिगत तौर पे किसी प्रकार का उसमें टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। इतना जरूर है कि पुलिस ने बहुत ही तत्परता के साथ और पूरे गंभीरता के साथ इस प्रकरण की जांच में पूरा टीम गठित करके सभी एंगल से जांच की है। कुछ तथ्य मिले हैं, वो तथ्य के आधार पे वहाँ के पुलिस प्रशासन ने जानकारी दिया है, लेकिन लोगों को जो परिवारजन हैं, उन परिजनों को उस जांच से अभी तक संतोष नहीं हुआ है। आज फिर हमने बात किया है लोगों से कि इसमें किस स्तर की जांच चाहते हैं, वो भी मेरे ओर से प्रयास होगा कि सभी एंगल से निष्पक्ष एक जांच हो और इसके लिए स्पेशल कोई अगर कमेटी बनाने की ज़रूरत होगी, स्पेशल टीम बना करके इस घटना की